चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे हुए करीब 5 महीनों का समय हो चुका है। इसके बाद भी भारत की तरफ से अंतरिक्ष की दूरी तय करना जारी है। इसी बीच अब खबर है कि चांद पर नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक यान ने विक्रम लैंडर के साथ संपर्क साधा है। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष शोध के लिहाज से ये काफी अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नासा का कहना है कि चक्कर लगा रहे अमेरिकी स्पेस एजेंसी के यान ने विक्रम लैंडर की तरफ एक लेजर बीम चलाई जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। एजेंसी का कहना है कि किसी चीज की ओर से लेजर पल्स को भेजा जाता है और ये देखा जाता है कि उसे लौटने में कितना समय लगता है। इस तरीके का इस्तेमाल कर पृथ्वी का चक्कर लगा रही सैटेलाइट्स के स्थान का पता लगाया जाता है। नासा की तरफ से जारी बयान के अनुसार नासा के LRO यानी कि लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर ने अपना लेजर एल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट विक्रम की तरफ चलाया। जब LRO ने लैंडर के पास लेजर पल्स चलाई तब चांद दक्षिणी पोल क्षेत्र में मेंजिनस क्रेटर के पास LRO से 62 मील या 100 किलोमीटर दूर था। आगे बताया गया कि जब रिफ्लेक्शन वापस आया तब नासा के वैज्ञानिक जान गए कि उनकी तकनीक काम कर गई। फिलहाल आपको चांद से आई चंद्रयान 3 की इस खबर के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।